आप सभी को अपने एक नई वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मार्फो फिंगरप्रिंट डिवाइस का जो रिचार्ज की वैलिडिटी होती है उसको कैसे चेक किया जाता है, यानी कि जो रिचार्ज आप करते हैं उसकी वैलिडिटी आप कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी जो रिचार्ज की वैलिडिटी है वो किस डेट को ख़त्म होगी। अगर आपको ये जानकारी नहीं मालूम है तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दिखाता हूं कि मार्फो फिंगरप्रिंट डिवाइस का वैलिडिटी कैसे चेक की जाती है रिचार्ज की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो फिर चलिए वीडियो। और यहाँ पर हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ गए हैं, तो हमें अपने मार्फो का जो रिचार्ज की वैलिडिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, आपको अपने गूगल पर अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे आपको सर्च करना है मार्फो आरडी सर्विस। तो यहाँ पे हमने सर्च कर दिया है, और नहीं तो इसकी जो लिंक है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी इसको लॉगिन करके और अपने मार्फो का जो रिचार्ज की वैलिडिटी है उसे आप चेक कर सकते हैं कि हमारे मार्फो फिंगरप्रिंट मशीन की जो वैलिडिटी है वो किस डेट को ख़त्म होगी। तो चेक करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, मार्फो आरडी सर्विस केवाईसी यूआईडीआई पे हमें यहाँ पे ओके कर देना है। तो यहाँ पे हम ओके कर देते हैं, और यहाँ पे हम मार्फो की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, चेक वैलिडिटी पे हमें यहाँ पे ओके करना है। और अब यहाँ पे आपको अपने मार्फो का जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर आपको यहाँ पे आपको डालना है, सीरियल नंबर अपने मार्फो मशीन का, जो फिंगरप्रिंट मशीन है आपके पास है मार्फो की, उसको यहाँ पे आपको उसका सीरियल नंबर डालना है और सबमिट ऑप्शन पे आपको ओके कर देना है। अगर आपको सीरियल नंबर निकालना नहीं मालूम है तो उसका भी वीडियो हमने बना दिया है, और उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सीरियल नंबर कैसे निकाला जाता है आप वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपने मार्फो का सीरियल नंबर डालना है और सबमिट ऑप्शन पे आपको ओके कर देना है। तो आपकी जो वैलिडिटी है, किस तारीख को आपने इसका रिचार्ज किया था अपने मार्फो का, और किस डेट के आपको मार्फो की वैलिडिटी ख़त्म होगी रिचार्ज की, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले अपना सीरियल नंबर डाल लेते हैं, उसके बाद में सबमिट ऑप्शन पे ओके करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो मार्फो की वैलिडिटी है वो किस डेट को ख़त्म होगी। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने रिचार्ज किया था 18/3/2023 को, और इसकी जो एक्सपायरी डेट है रिचार्ज की वो 17/3/2024 को है। तो सेम इसी प्रकार अपने मार्फो का आप जो पेमेंट करते हैं उसे आप चेक कर सकते हैं कि जो वैलिडिटी हमारी है वो किस डेट को ख़त्म होगी। अगर आपकी मार्फो बीच में कहीं काम करना बंद कर दे तो लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, हमारी मार्फो काम क्यों नहीं कर रही है। तो आप अपना सीरियल नंबर डाल के सेम इसी प्रकार अपना मार्फो की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं रिचार्ज की। तो आईएसओ की जानकारी आपको हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के बाद, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।